What is the chapter name? You have seen the booklet or not? 1980. नहीं देखी मेरे को लगता नहीं। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब समटाइम्स वी कैन टॉक अबाउट कंटिन्यूटी एज अ चैप्टर आल्सो, समटाइम्स वी कैन टॉक इन बोथ टर्म्स कि दोनों एक ही चैप्टर है, तो वो चलता है ना। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दिस इज नॉट डिफरेंशिएशन चैप्टर, वो नेक्स्ट है। एमओडी, एमओडी स्टैंड्स फॉर एवरीवन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों। ओके, अभी हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें तुम हेडिंग डाल सकते हो अभी कंटिन्यूटी। तो बहुत सारी बुक्स में तो सेपरेट चैप्टर भी होगा, कंटिन्यूटी अलग से डिफरेंशिएबिलिटी अलग। हमारी बुकलेट दोनों की एक है, हम इसको एक जैसा पढ़ेंगे, बट शुरुआत में वी आर गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट कंटिन्यूटी। तो जल्दी से आ जाओ कंटिन्यूटी, और ये तीन ग्राफ मेरे साथ देखो, बाद में कॉपी कर लो। रेडी बच्चों एवरीवन? यस। हाँ, कंटिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन हमने एक्चुअली लिमिट्स पे देख रखी है, एग्री करो? वी हैव सीन देयर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डीएस। याद है डीएस कब लगा सकते हैं? याद आया? यस सर। हाँ, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होते थे हम बोलते थे, तो वी यूज टू से कि लिमिट लगाने के लिए डीएस लगा दो, क्योंकि लिमिट की वैल्यू और एफ ऑफ ए बराबर हो जाता है। हाँ है ना एवरीवन? वाइल फंक्शन अगर नॉट कंटिन्यूस होता है, तो वी यूज टू से कि लिमिट निकालने के लिए हमें एलएचएल आरएचएल अलग से निकालना ही पड़ेगा। याद आ गया सबको? सो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होगी फिर, बताओ जल्दी से कि लिमिट वैल्यू और एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? इक्वल। तो लिमिट और एफ ऑफ ए अगर इक्वल हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता है। ये अभी लिखेंगे, डोंट वरी, बट एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल, LHL बोलो कितना है? How much is LHL? L. L. बिल्कुल सही है, सबको दिखना चाहिए। RHL कितना है? L. L. Therefore, limit exists, and if exists, then what is that? L. L. Very good. And what is F of A here? M. M. So limit तो exist करती है, limit का answer आ गया है, but वो F of A के बराबर नहीं है बच्चों। Is the function continuous at x equals to a here or not continuous? Come on. Not continuous. It is not continuous at x equals to a. Second example. आ जाओ जल्दी से। LHL. L. L. RHL. M. M. तो limit का answer क्या है? Come on. Does not exist. Theorem does not exist. तो अब बताओ f of a को देखने की भी जरूरत है क्या? Limit ही exist नहीं करती तो continuous कहाँ से होगा? आया ना? Yes, sir. क्या लिखेंगे? No need to see f of a. F of a होने दो, जो हो रहा है उसको होने दो, it doesn't matter. हमारा answer क्या है? Continuous या not continuous everyone? Not continuous at x equals to a. तीसरा example. LHL, फटाफट. L. L. RHL. L. L. Limit का answer. L. L. Very good. Limit exists and is equal to L. Correct ना? Yes. Yeah. And what is the answer of f of a here? L. L. So since limit or f of a equal hai, kya bolenge hum isko? Come on. Continuous. So it is continuous at x equals to a. So continuous ki simple definition, can I say like that? Ye aisi hai ki left se right mein smooth hona chahiye. Come on, left se right mein smooth hona chahiye. Yes, sir. लेफ्ट से राइट तक बिल्कुल स्मूथ मुझे बनाना है विदाउट एनी ब्रेक्स, दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड। बट व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कॉपी बाद में करोगे बच्चों, मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे। तो अगर मैं एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, व्हाट इज द कंटिन्यूस डेफिनेशन? कैन एनीबॉडी से? लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ लिमिट की वैल्यू और एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए। और कैन आई से इसकी जगह मैं ये भी बोलूंगा तो भी तुम्हें चलेगा?
LHL equal to RHL equal to f of a? Everyone? Yes, sir. So that is the foremost definition of continuity at a point. कि अगर लिमिट और एफ ऑफ ए बराबर है तो वो कंटिन्यूस है, और वी कैन से LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ। चलो यहाँ पे कॉपी करो, पहले ये डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। राइट डाउन दिस डेफिनेशन फर्स्ट। Be a little bit fast in copying, everyone. Okay, definition likh liya, everyone. Done? Yes, sir. ऊपर के जो एग्जांपल है इनमें से जो भी तुम्हें ड्रॉ करना है फास्ट कर लो, तीनों ड्रॉ करना है तो तीनों ड्रॉ करो, बी अ लिटिल बिट फास्ट इन कॉपिंग। इनके बारे में लिख रहे हो तो शॉर्ट में लिख देना है कि LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू FOP, ऐसे शॉर्ट में लिख दो। सेकंड में लिख दो LHL और RHL इक्वली नहीं है। तीसरे में लिख दो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FOP, ऐसे शॉर्ट में कॉपी कर लो। देयरफॉर कंटिन्यूस। यस, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? एनीबॉडी? नो। चलो आगे बढ़े फिर, एवरीवन। सर एक सेकेंड। आई थिंक इनफ टाइम, अब तो कॉपी हो जाना चाहिए था। सी हियर, एक और एग्जांपल जैसे थोड़ा और बेसिक क्लियर करते हैं, फिर क्वेश्चन ही करने ज्यादा। तो विद मी रेडी? यस सर। हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी बतानी है, लिमिट जो चेक करना है तुम करो, एफ ऑफ ए जो चेक करना है तुम्हें करो। चलो वन पे पहले लिमिट का आंसर करो। इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देन से डज नॉट एग्जिस्ट। If limit exists, then tell me what is the answer. X equals to 1. Limit. Does not exist. Very good. Continuity. Not continuous. Not continuous. I hope समझ में आ गया। Limit does not exist, तो continuous का तो सवाल ही नहीं होता ना। Everyone? Yes. Yes. X equals to 2. Come on. Limit. 1. Limit. 1. Very good. LHL और RHL सबको दिखना चाहिए, 1 है बच्चों। ओके, बट कंटिन्यूस? यस, नो कंटिन्यूस? नो, नॉट कंटिन्यूस। वेरी गुड, नॉट कंटिन्यूस। व्हाई? बिकॉज़ f of 2 तो डिफाइंड ही नहीं है, आया ना? यस सर। इज दैट क्लियर एवरीवन यहां तक? यस सर। बाकी सबकी आवाज नहीं आ रही है? सही है, मैं नमन और ये दो तीन बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं ध्रुव, बाकी सब गांव वालों जग जाओ और बोलो यार, आया ना? क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो x equals to 3, limit 2. Very good.
देख लो LHL और RHL दोनों टू है. कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस? नॉट कंटिन्यूस. नॉट कंटिन्यूस, वेरी गुड. व्हाई नॉट कंटिन्यूस? F of 3 लिमिट और F of 3 बराबर नहीं है. F of 3 ध्यान से देखो 3 है बट लिमिट 2 है. हाँ ना? यस सर. तो हमें पता है, इसलिए तो ये एग्जांपल करा रहा हूँ क्योंकि नामन जैसे नालायक होते हैं आजकल. नामन भी नालायक हो गया है. F of 3 डिफाइंड तो ठीक है, उसके बराबर भी होना चाहिए. हाँ है ना एवरीवन? यस सर. हाँ चलो 4 पे ये डॉट है ना यहाँ पे क्लोज है. लिमिट 1. वेरी गुड, लिमिट 1 है. देख लो LHL RHL दोनों 1 है. कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस? कंटिन्यूस. वेरी गुड, कंटिन्यूस. व्हाई कंटिन्यूस बच्चों? LHL तो देखना ही नहीं है. सोच के बोलना कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस. वेरी गुड, बिल्कुल कंटिन्यूस है बच्चों. क्या लिमिट और एफ ऑफ जीरो बराबर है या नहीं है, बस तुम ये बताओ. यस सर. हाँ या ना? यस सर. है, बस खत्म, बात हो गया ना. क्योंकि लिमिट तो यहाँ पे RHL ही देखेंगे एवरीवन. क्लियर और नॉट? LHL तो देखेंगे नहीं, डोमेन में ही नहीं है. बिल्कुल क्लियर. एंड पॉइंट पे भी एवरीवन? यस सर. लास्ट एंड पॉइंट 5, ध्यान से बोलना. 5 के पहले इंफिनिटी पे जा रहा है. लिमिट डस नॉट. वेरी गुड, डस नॉट. लिमिट को इनफाइनाइट नहीं बोलते, याद करो. लिमिट की डेफिनेशन होती थी फाइनाइट वैल्यू, याद आया? यस. तो लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट, तो कंटिन्यूटी का सवाल ही पैदा नहीं होता ना. नॉट कंटिन्यूस? यस सर. आई होप इस एग्जांपल से छोटे मोटे डाउट सब क्लियर हुए. यस सर. सो मुझे आप बताओ, पॉइंट्स टू नोट, उसी में सब कुछ लिख देंगे. कंटिन्यूटी के लिए अगर मैं पूछूं कि किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करो, तो व्हाट यू विल चेक सबसे पहले? सबसे पहले क्या चेक करोगे? लिमिट एग्जिस्ट ऑन नॉट. एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस यस सर. देन सेकंड, फिर उसके बाद क्या चेक करोगे? इफ लिमिट एग्जिस्ट देन LHL इज इक्वल टू RHL. देन इज लिमिट इक्वल टू F of A. बताओ क्या ये steps clear है everyone? Yes sir. सबसे पहले देखो कि limit exists or not. अगर limit does not exist तो खत्म खेल. Not continuous. अगर limit exists करती है तो आपको check करना पड़ेगा कि वो F of A के बराबर है. Simple है. Yes sir. Next point. अब मेरे साथ true or false खेलो. Limit exists तो continuous, not continuous या maybe? Maybe. Maybe, very good. Maybe continuous. Limit does not exist. Not continuous. Not continuous. Continuous. And not continuous. Then reverse करते हैं. चलो, अगर continuous है उस point पे, तो limit exists or not exists? Exist. Limit exists, very good. But अगर function not continuous है, तो limit exists या does not exist? Maybe. 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 Maybe limit exists. पॉइंट टू नोट में कुछ भी कॉपी करना है तो कर लो जल्दी से. ग्राफ ऊपर का बनाने की जरूरत नहीं.
Yes. Can I shift now? Go to next page, everyone. Yes, sir. Next question, एक question, first question मेरे साथ देखोगे, please see here. लिखना बंद करो अभी, सिर्फ मेरे साथ interact करो. We have to examine the continuity, मतलब continuous है या नहीं है, बस ये answer करना है, क्योंकि basics है अभी. So you tell me continuity के लिए क्या check करना पड़ता है? LHL equal to RHL equal to F. या तो LHL equal to RHL equal to F of A check करते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि limit equal to F of A, एक ही बात है वो, हाँ है ना? Yes, sir. हाँ, एक ही बात है, I agree. But यहाँ पे तुम सब बच्चे agree करो कि LHL और F of A दोनों first branch से ही आ रहे हैं. Come on. Yes, sir. Everyone, please notice, LHL first branch से ही आएगा ना? Yes, sir. F of A भी first branch से ही आएगा ना? Yes, sir. और first branch पे जो function है वो तो continuous है ना? 1 plus X. Yes, sir. क्या बोलना चाहता हूँ? तो LHL और FOFA तो बराबर होगा ही होगा, दोनों एक जैसे ही ले आओगे तुम, come on, agree करो. Come on, अगर मैं बोलूंगा LHL तो तुम भले लिखोगे ऐसा, देखो, और उसके बाद तो DSE लगाओगे, agree करो, come on. X tends to 2 minus of 1 plus X of a DSE लगाओगे, तो DS लगाना तो same as F of 2. Yes. तो क्या बोलना चाहता हूँ मैं, इसका क्या मतलब बोलना चाहता हूँ कि actually तीनों चेक करने की जरूरत है ना, क्योंकि LHL और F of A तो तुम्हें देखने से ही पता लगना चाहिए कि वो तो सेम है इस क्वेश्चन में. सो वी आर गोइंग टू जस्ट चेक कि F of 2 एंड RHL बराबर है या नहीं. जल्दी से, ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? यस सर. बिकॉज़ यहां पे F of 2 और LHL तो सेम ब्रांच से आ रहे हैं, तो वो तो हमेशा इक्वल होना ही है. तो F of 2 का आंसर 1 plus 2 दैट इज 3. RHL को लिखते भली ऐसा है, बट नेक्स्ट स्टेप क्या लगा दूंगा मैं एवरीवन? डीएस. वेरी गुड. सो 5 माइनस 3 इज 2, 1 प्लस 2 3, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 सॉरी 3. सो देयरफॉर सिंस बोथ ऑफ देम आर इक्वल, देयरफॉर कैन आई से कंटीन्यूअस बच्चों एवरीवन? यस सर. चलो यहां पे कॉपी करो, प्लीज कॉपी टिल हियर. अभी एक बार कंफर्टेबल होने के लिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, आई होप बिल्कुल क्लियर. कैन वी गो नेक्स्ट पेज? यस सर. चलो 10 सेकंड्स और, बी फास्ट इन कॉपिंग, जो बच्चे स्लो हैं. विदाउट किसी को सर, RHL में लिमिट x 3 प्लस है ना, तो DS करने का 3 प्लस तो गलत लिखा ना बच्चे, ऑब्वियसली किस पे लिमिट निकाल रहा हूँ मैं, 3 पे या 2 पे, तू बता? 2 पे. हाँ सर. ओके ओके, 2 प्लस लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 चेंज कर दिया था, बट ऊपर चेंज करना भूल गया, ठीक है ना? यस सर. नेक्स्ट दो क्वेश्चन करो जल्दी से, वेरी इजी क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन कॉपी करोगे और उसके 10 सेकंड्स के अंदर आंसर आना चाहिए, इतना फास्ट. प्लीज डू कॉपी द क्वेश्चंस, कॉपी करो.
correct, Sarvesh? अच्छा ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसके लिए LHL, RHL, FOF सब करेंगे या LHL या सिर्फ FOF pi by 2 और RHL कर लूँ काफी है? FOF pi by 2 and RHL काफी है ना? Why? Because FOF pi by 2 is same as everyone? LHL. LHL. जल्दी से निकाल लो, कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस हो जाए तो आगे बढ़ो, तुम सबको पता है कोई गलती होने वाली नहीं है इसमें। ईशान करेक्ट, अमन करेक्ट, आगे बढ़ो। सही, हम करेक्ट, हर्ष करेक्ट, और ये आंसर चाहिए। इनका हो गया, नीचे करो बच्चों। अमन करेक्ट, नीचे नहीं, अमन नॉट करेक्ट। ओके ऊपर वाला आई होप आई कैन डू नाउ। एफ ऑफ पाई बाई टू कहाँ से आएगा? फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, एवरीवन? फर्स्ट ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच तो पाई बाई टू इनटू साइन पाई बाई टू, दैट इज इसका आंसर पाई बाई टू है। आरएचएल कहाँ से आएगा? सेकंड ब्रांच में भले लिखने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, बट तुम सबको पता है वो तो डीएस लगाने वाला हूँ मैं, है ना? यस सर। तो डीएस लगा दो, pi by 2 into cos pi. How much is cos pi, everyone? Minus 1. मतलब ये minus pi by 2 है और ये pi by 2 है. So therefore क्या आंसर बोलेंगे? Not continuous. Copy करो जल्दी से, नीचे वाला करो। Correct Sarvesh. Correct Ishan. ओके, इन द थर्ड क्वेश्चन जस्ट एक लाइन सुन लो सब। स्टार्टिंग कंटिन्यूटी के लिए तो यूजुअली मुझे LHL, RHL और F of pi by 2 सब चेक करना चाहिए, हाँ है ना? यस। बट इस क्वेश्चन में LHL और RHL दोनों किस ब्रांच से आ रही है? फर्स्ट। तो दोनों को अलग अलग बार बार निकालने की जरूरत है क्या? नो सर। नो, उन दोनों को मिला के कैसा लिखना चाहिए? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. ये लिखेंगे हम। अगर इस तरीके की ब्रांच है कि LHL, RHL दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं, तो हम कंटिन्यूटी के लिए सिर्फ ये चेक करेंगे कि एफ ऑफ ए और लिमिट बराबर है या नहीं। एवरीवन एग्री विथ मी? यस सर। क्योंकि LHL, RHL दोनों एक ही जगह से आ रही तो अलग अलग क्यों निकालेंगे? चलो जल्दी चेक करके बताओ। करेक्ट है, सही है। लास्ट 30 seconds। हाँ भाई कैंसर नहीं दे रहा है तू? दिया, जानवी, महिमा आजकल आंसर ही नहीं है, कृष्णा, अवनी गायब हो गई, शबिया आल्सो, विवेक, जल्दी आंसर दो बच्चों, कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस चैट पे लिखो, हरी अप, सॉरी आंसर, हर्ष, मिस्टेक हुई है चेक करो। ओके
enough time? Can I discuss everyone? Or should I wait? Discuss. So, f of pi by 2 kitna hai? First branch, second branch? Second branch. Correct? Okay, sure. Then limit nikalne ke liye kaise nikalenge? Limit x tends to pi by 2 of f of x. F of x kaun sa aayega bachcho? First branch wala, second branch wala? First branch wala. So can I say ab ye to pure limit ka question ho gaya jo evaluate karna padega everyone? Yes sir. Batao ab bilkul limit wale mindset mein aa jao. Isko limit nikalne ke liye very good. Kya karte hain? Making limit zero. X ko kya put karte hain everyone? Pi by 2 plus h. Good Sariam. Good Sarvesh. Limit h tends to 0. Cos of pi by 2 plus h divided by pi by 2 minus pi by 2 plus h. So, niche pi by 2 cancel ho gaya. Niche bachaya kitna hai? Plus h ya minus h? Minus h. Aur upar vertical bachon. Allied angle changes? Doesn't change. Changes? And second quadrant ke karan minus aaya na? Yes, sir. तो इसका आंसर देखो कितना आ गया है प्लस वन माइनस वन प्लस वन और ये भी प्लस वन है सो कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस कंटिन्यूस कॉपी करो जल्दी से ओके ब्रो सामने क्यों नहीं हुआ नालायक तो अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन में तुमने लिमिट जो भी सीखा बट मैं सबसे ज्यादा ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर LHL RHL दोनों एक ही ब्रांच से आ रही होगी तो तुम ये कंडीशन रेड वाली हैंडल करोगे क्लियर है एवरीवन यस सर रिपीट करो क्या बोला मैंने प्लीज रिपीट एवरीवन माइक पे बोलो रिपीट करो ना यार इफ LHL RHL इफ LHL इक्वल टू RHL देन is coming from the same branch. Same branch. Then use limit second, equal to f of then f of a is limit x tending to of f of x ye kar dena theek hai yes koi doubt kisi ko no just a second ko देखो क्वेश्चन फाइंड पी एंड क्यू इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो अब उल्टा है कंटिन्यूअस दे रखा है तो यू विल जस्ट पुट द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी ना एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए एवरीवन यस पी पी एक्स माइनस 2p for x less than 0, 5 for x equal to 0, x greater than 0, e की पावर x plus q करो जल्दी से बहुत इजी क्वेश्चन है सबका हो जाना चाहिए था आपका हो गया है अमन सही है सयम सही है बाकी कुछ नए बच्चे भी आंसर दो यार इनसे मैं यही एंथुसियास्टिक बच्चे बस हर बार सर्वेश ईशान बस इन्हीं चार पांच बच्चों में ही बैठ घूम रहा है शास्त्र करेक्ट हर्ष करेक्ट
आई थिंक इनफ टाइम, वी आर डन. क्या करना है बस सिंपल, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो. एफ ऑफ जीरो कितना दे रखा है, फाइव. आर एच एल, आर एच एल के लिए अब डी एस लगा दूंगा ना बच्चों, एक्स इक्वल टू जीरो पे. यस सर. ई की पावर जीरो प्लस क्यू. एल एच एल के लिए भी डी एस लगा दूंगा एक्स इक्वल टू जीरो पे. थ्री पी इंटू जीरो माइनस टू पी. सो माइनस टू पी इज वन प्लस क्यू इज इक्वल टू फाइव. एज सिंपल एज दैट. पी इज माइनस फाइव बाय टू. 10 seconds to copy. Correct, Shavya. Good. Oh, next question. So, dono question karo, patapat. Answer likho chat pe. ऊपर वाले का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नीचे वाले का सेकंड. कम ऑन. करेक्ट है निशान, सही हम निशान सर्वेश. गुड, कंटिन्यू. भैया आगे बढ़ो. हर्ष करेक्ट. अमन नालायक, पता नहीं क्या हो गया इस पर. सही हम करेक्ट. क्या रिबूट हो क्या आ रहा है क्या अमन? कृष्णा करेक्ट. गुड क्वेश्चन. यस, दूसरे का आंसर दे रहा था मन, किसका दे रहा था? फर्स्ट का है तो फर्स्ट लिख, सेकंड का है तो सेकंड लिख. सेकंड का है तो गुड. ओके चल फिर ठीक है. सर्वेश करेक्ट, अमन करेक्ट. और ये नालायक क्या कर रहा है तू, आंसर नहीं दे रहा है. डूइंग फर्स्ट वन. आई राइट ऑन द चैट और स्पीक अप बच्चे, जल्दी से अब तक फर्स्ट का आ जाना चाहिए था यार. प्रशांत करेक्ट सेकंड का. गुड. शान सेकंड कर रहा हूँ. इनका फर्स्ट वे गड़बड़ हो गई, सेकंड ट्राई नहीं किया. सेकंड ट्राई करो. आफ्टर 30 सेकंड्स आई एम गोइंग टू डिस्कस बोथ. अमन फर्स्ट का नालायक सही. हाँ सही, फर्स्ट का भी सही, सेकंड का भी सही. शान सेकंड चेक कर. फर्स्ट सेकंड का गलत है. Chalo, let's see now. We are going to discuss. See on the screen now. Continuous at zero. So directly kya kar dunga, LHL or f of zero the same hi hai na everyone? Yes. F of zero or RHL ko equate kar lo, kaafi. So f of zero kya hai? DS laga diya 6 into 5 ki power 0. Aur RHL ke liye DS laga diya 2a plus 0.
बहुत इजी a इक्वल टू 3 सर कंफर्टेबल बना रहा हूं धीरे-धीरे लेवल एकदम से राइज करेंगे सेकंड क्वेश्चन डू यू रिमेंबर मैंने बहुत बार बोल दिया था कि अगर LHL RHL एक ही कंडीशन से आ रहा है तो फिर क्या लिखोगे बोलो लिमिट इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू बोलिए लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 4 ऑफ f ऑफ x आई होप याद आया ये अब f of x की वैल्यू डाल दो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 ऑफ 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 4x माइनस 5 हाउ डिड यू सॉल्व दिस कैसे सॉल्व करूं बिल्कुल बहुत दोनों सब ने मतलब दो तीन बच्चों ने सही बोला आई कैन अप्लाई मेकिंग लिमिट 0 कर सकता हूं यस सर आई कैन इवन अप्लाई एल हॉस्पिटल एग्री करो हॉस्पिटल रूल यस 2 बाय 0 फॉर्म है हां है ना हां यस सर जो इच्छा है जिसे लिमिट 0 बनाना है उससे भी कर सकते हो लॉपिटल से भी कर सकते हो अभी लॉपिटल से कर लें यस तो क्या करते हैं लॉपिटल में एवरीवन नीचे और ऊपर क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं करेक्ट यस तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 1 का डिफरेंशिएशन 0 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों एक x आई होप याद आया तो f ऑफ पाई बाय 4 अब बस ds लगा दूंगा माइनस 4 sec square pi by 4 sec pi by 4 root 2 होता है तो कितना हो जाएगा 2 तो f of pi by 4 का आंसर माइनस हाफ कॉपी फास्ट मेकिंग लिमिट 0 से भी करते हैं उससे भी आ जाता हाँ है ना यस सर x की एक्सपांशन सीरीज भी यूज कर सकते हो बहुत सारे मेथड है यार कैन आई गो नेक्स्ट पेज एवरीवन डन कॉपिंग यस सर आई ना यस सर सर हाँ बच्चे सर अगर क्वेश्चन में दिया है x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 4 फिर भी हम फिर f ऑफ पाई बाय 4 कैसे निकाल रहे हैं वो उस पे नहीं है लेकिन कंटीन्यूअस बनाना है इसलिए तो वो उस पे बराबर रख रहे हैं दिमाग लगा उसने बोला है कि f of x ये है जब x पाई बाय 4 नहीं है अब उसने बोला कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस का मतलब क्या है कि पाई बाय 4 पे भी वैल्यू यही होगी यही तो बोल रहे हैं हम कम ऑन अच्छा सर दिमाग लगा हम कंडीशन डाल रहे हैं वो नहीं बोल रहा है पर उसने ये भी तो नहीं बोला कि नहीं उसने तो एक्चुअली बोला है वही है क्योंकि उसने कंटीन्यूअस बोला है एग्री कर हाँ सर तो कंटिन्यूअस बोला है तो LHL जो या लिमिट वैल्यू है वही f of a होगा हाँ है ना हाँ सर बस फोर्थ तक है हाँ सर समझ गया थर्ड क्वेश्चन कॉपी करो और स्टार्ट करो धीरे धीरे अब लेवल थोड़ा बढ़ा रहे हैं थोड़ा सोचते जाना थर्ड क्वेश्चन के लिए बताओ कि इसमें तो पूरा तीनों लगानी पड़ेगी ना क्योंकि तीनों अलग अलग ब्रांच से आ रही है यस सर LHL, RHL, f of 0 सब निकालना पड़ेगा कोई डाउट होता है पिछले मैं पूछ क्या करूँगा सॉरी कोई डाउट है तो पूछ बच्चे कोई डाउट है इसमें नो सर चलो अब ये क्वेश्चन करो Since LHL भी first branch आएगा, RHL third branch आएगा, f of 0 second branch आएगा, तो इसमें तीनों ही निकालने पड़ेंगे। Come on, do this. It's just going very fine and at good speed. Continue, but say good.
मेरी आवाज नहीं आ रही क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, तो क्यों आएगी? जल्दी करो यार बच्चों, कम ऑन। LHL के लिए कौन सा वाला फॉर्म बन गया है? DS लगा के देखो कौन सा फॉर्म बन गया है। 1 की पावर इनफिनिटी। 1 की पावर इनफिनिटी, गुड। ईशान करेक्ट, सही है मादा, अभी तक सही है। ईशान थोड़ी गलती करी है तूने, ध्यान से देख। अमन करेक्ट, वन की पावर इंफिनिटी का फॉर्म हो गया है। करेक्ट, सही है, पूरा आंसर देना, एक है प्रवेश, दोनों एक साथ लिखो। प्रशांत करेक्ट है, सही है का करेक्ट एक्चुअली। कृष्णा करेक्ट, गुड। प्रवेश करेक्ट, तो करेक्ट। लास्ट 30 सेकंड्स रैपिंग अप। चलो कर रहे हैं बच्चों, जल्दी फिनिश कर दो, ऑलमोस्ट वी आर देयर। ओके, सी ऑन द स्क्रीन, वन की पावर इनफिनिटी के फॉर्म में सबको याद होगा क्या करते हैं हम, ई के ऊपर चढ़ा देते हैं, याद है सबको? यस सर। पहले पावर वाला लिखते हैं, फिर इसमें माइनस वन कर देते हैं, मोड साइन कैंसिल हो गया, मतलब LHL की वैल्यू ई की पावर ए है। एवरीवन ओके? यस सर। RHL के लिए क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस ई की पावर 10 टू एक्स बाय 10 थ्री एक्स। 10 टू एक्स चिल्ला के क्या बोल रहा है, उसको क्या चाहिए? 2x, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजस्ट कर दिया, 3x को भी एडजस्ट कर दिया, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, x से x कैंसिल हो गया, RHL का आंसर e की पावर 2/3 आया ना? यस सर। और अब क्वेश्चन ने बोला हुआ है कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस का मतलब LHL, RHL और f ऑफ 0 सब के सब बराबर होंगे, तो LHL इज e की पावर a, RHL इज e की पावर 2/3, f ऑफ 0 इज आई थिंक b, तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2/3 और इधर से बी की वैल्यू आ गई। कॉपी फास्ट 10 सेकंड्स। अब थोड़ा फील आ रहा होगा बच्चों की कंटिन्यूटी का फर्स्ट लेक्चर, कंटिन्यूटी इज ऑलमोस्ट सेम एज लिमिट्स, एवरीवन? यस सर। है ना, बाद में चेंजेस आएंगे बट शुरुआत के लेक्चर्स कंटिन्यूटी के और डिफरेंशिएबिलिटी के, इट्स ऑल अबाउट लिमिट ओनली। चलो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, करो। फाइंड पी एंड क्यू, क्वेश्चन कॉपी करना तो कर लो, जो स्लो है उनको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहिए, क्वेश्चन कॉपी बाद में कर लेना अगर टाइम पे हो जाए तो, नहीं सोचो, डू इट फास्ट।
अंडर रूट x प्लस x स्क्वायर लिखा है। सबसे पहले मैं तुम्हारी जगह होता तो RHL निकाल लेता, बहुत इजी है, या LHL निकालो, LHL और इजी है, स्प्लिट ही करना है बस, साइन सी प्लस साइन डी भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्प्लिट करना है। Do it fast. I'm just coming in 1 minute. हाँ भाई आ गए आंसर, चलो लिखो वापस से चैट पे अगर आए तो। निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या है। चलो अभी लिख सकते हो वापस, अगर मैंने नहीं देखा था तो। प्रशांत सही है, अमन सही है, ईशान जैन सही है, सर्वेश मिस्टेक बच्चे, ईशान जैन सही, प्रशांत सही, दूसरे बच्चे प्रशांत ईशान सही हो गया है, सर्वेश सही कर, come on everyone else। जल्दी करो, हेलो महिमानो सभ्यानो, सभ्यानो पुराना आंसर नया दे अभी जल्दी, सही अनो last 30 seconds plus enough time। डिस्कस करेंगे, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन नाउ, LHL निकाल रहे हैं आराम से, बिल्कुल आराम से निकालना चाहिए था तुम्हें। साइन ऑफ पी प्लस साइन को देखते ही वो बोल रहा है कि नीचे मुझे तो सिर्फ एक्स ही चाहिए, तो स्प्लिट कर दें एवरीवन। यस सर। किसको मिस कर रहा है पहला वाला साइन नीचे, पी प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट का आंसर कितना है, वन। इसका भी आंसर कितना है, वन। तो p प्लस वन इंटू वन प्लस वन, तो एल एच एल आ गया p प्लस टू, कंफर्टेबल। यस। RHL, RHL के लिए डायरेक्टली बता दो क्या करूंगा, देख के ही पता है मैं क्या करने वाला हूँ, रैशनलाइज रैशनल, या यस। तो इसको इसके भाई से मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस रूट एक्स, तो नीचे तो अभी
क्या करेंगे, ऊपर पहले देख लेते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x, तो ऊपर x स्क्वायर बचा है, उससे ही हिंट मिल गई कि नीचे 3/2 है, मतलब यहाँ पे रूट एक्स और कॉमन लेना चाहिए, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस। सो रूट एक्स दैट इज x की पावर कॉमन लूंगा रूट एक्स, तो क्या बचेगा बोलना, प्लस वन, जल्दी से एग्री करिए ऑल ऑफ यू, कम ऑन, ये कॉमन लिया है, हाँ या ना? यस सर। तो देयरफॉर कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ऊपर बचा x स्क्वायर 3/2 और हाफ भी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ds लगा दिया, तो RHL आ गया कितना 1/2। अब कंटिन्यूस बोल रखा है, तो LHL is equals to RHL is equals to f of 0। LHL कितना निकाला था हमने, p plus 2, RHL कितना निकाला है, हाफ, और f of 0 कितना दे रखा है कार्टून, q, तो q की वैल्यू हाफ है और p की वैल्यू है -3/2। क्लियर एवरीवन? यस सर। कॉपी करो, विदाउट किसी को, अदरवाइज विल मूव ऑन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, और लेवल बढ़ाया, थोड़ा सा और डिफिकल्टी का है, ट्राई करो। फाइंड पी एन क्यू सो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्यू लिखा है मैंने, क्यू This is q into x square plus 2 cos x minus 2 divided by x to the power 4 is continuous at x equals to 0. LHL RHL क्या निकालोगे पहले, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो पहले क्या निकालता, LHL मैं RHL निकालता, क्योंकि RHL में कोई अननोन नहीं है, देखो जल्दी से, हाँ है ना? हाँ सर। कोई ऐसी इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, यू कैन कंटिन्यू, कोई लिमिट नहीं निकल रही और 0/0 है, एल हॉस्पिटल तुम्हारे साथ है, हाँ है ना? यस सर। एल हॉस्पिटल मतलब सिंपल, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो,
मैं शाम को गलती आई थी नौ का सात वन कोई और बच्चे भी आंसर दो तो थोड़ा सही लगे चेक करते हैं सही लग रहा है अमन एक सही है गलत है कौन सा सही है कौन सा गलत है तू खुद चेक कर रवेश पी को ढंग से पहले वेरीफाई कर ले फिर क्यू भी बताओ Okay, final 30 seconds, I think enough time है. करेक्ट अमन अब बिल्कुल सही आया है अमन का वेरी गुड निशान पी सही है क्यों बताओ वापस निशान आप गलत कर दिए मलायक बाकी सब बच्चे तो आज कसम खा रखी आंसर नहीं देना है अवनी रो शौर्य आंसर नहीं आ रहा है भाई सर्वेश सही है बट दूसरा क्यू का भी आंसर दो करेक्ट शाम चलो इनफ टाइम सी ऑन द स्क्रीन बच्चों डिस्कस करते हैं स्क्रीन पे देखो चलो क्या निकालूं तुम बोल दो पहले आरएचएल एलएचएल ट्यूटल में आरएचएल आरएचएल ठीक है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस साइन एक्स माइनस नीचे सिक्स एक्स स्क्वायर है ये एलएन में चिपके में देखने से ही पता लग रहा है कि अलग अलग करो ऑब्वियसली थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का तो है ये तो इसके बाद क्या करेंगे एलएन ई की पावर एक्स बोल रहा है कि यस मैं तो एक्स हूँ आया ना यस सर माइनस एल एन कॉस एक्स सब बच्चों को साइन एक्स माइनस एक्स देख के हिट हो जाना चाहिए स्पेशल लिमिट सबको याद है एक्स माइनस साइन एक्स एक्स क्यूब कितना होता है एवरीवन 1/6 याद आ गया यस सर तो
therefore 6x square नीचे है तो वो बोलता है कि मुझे तो split कर दो मैं adjust हो जाऊंगा, हाँ है ना? Yes sir. हाँ, sin x minus x by 6x square minus ln cos x by 6x square. अब बताओ क्या करूँ next step? पहले वाले को तो limit बनाने के लिए ready होता है, ready करते हैं. इसको 6x cube कर दिया और x से multiply कर दिया. With me ना everyone? Yes sir. अच्छा ln क्या बोलता है? ln का कोई formula है तुम्हारे पास? ln of 1 plus x by x कितना होता है? 1. मतलब ln को 1 पसंद है, यहाँ पे 1 है नहीं, तो 1 बना सकता हूँ ना मैं? Yes sir. अब इसको क्या बोलूँगा? Come on, capital A. क्या दाया? हाँ sir. और नीचे किससे multiply divide कर दूँगा? कार्टून हो, जल्दी बोलो. Capital. Capital A से. और ये 6x square as it is. I hope सबको याद है. L-hospital भी बिल्कुल L-hospital कभी भी लगा सकते थे ना, बट मैं तो इससे ही कर रहा हूँ. अच्छा, इसकी लिमिट रख सकता हूँ 1 by 6 अभी या नहीं? What do you think? इसकी रख दूँ, x की नहीं रखूँ, ऐसा कर सकता हूँ क्या? Yes sir. नहीं, नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन से माइनस में है, हाँ है ना? पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई में होता तो कर सकता. Yes or no? You remember? Yes sir. तो अभी नहीं, इसको ऐसा का ऐसा पड़े रहने दो. जब लिमिट लगाओगे सब में एक साथ लगाना पड़ेगा, बस ये क्लियर. एल हॉस्पिटल लगाते तो बहुत जल्दी हो जाता है, बट ठीक है, अपन तो एल हॉस्पिटल से बिना भी कभी का ट्राई करेंगे ताकि भूलेंगे नहीं चीजें. माइनस लॉन ऑफ 1 प्लस ए बाय ए इंटू ए, ए कौन है बच्चों? कॉस एक्स माइनस 1 बाय 6 एक्स स्क्वायर. तुम्हारे हिसाब से अब सब जगह लिमिट लगा सकते हैं, रेडी है क्या? हाँ सर. हाँ, तो इसका आंसर बोलो. माइनस 1 बाय 6. हाँ, माइनस 1 बाय 6 इंटू 6, और ये भी लिमिट लगानी पड़ेगी तो जीरो कर देगा ना ये तो? यस सर. माइनस इसका आंसर बोलो. एल एन 1 प्लस ए अपॉन ए का 1. ओके, इसका आंसर बोलो. माइनस हाफ. माइनस हाफ, वेरी गुड. तो इसका आंसर हो गया 0 प्लस 1 बाय 12. ये कौन है? आर एच एल है ना अभी तक? यस. आर एच एल आया, एल एच एल बाकी, एल एच एल भी करते हैं. चलो एल एच एल. लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, बोलना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉस एक्स माइनस टू बाई एक्स फोर. चलो जीरो बाय जीरो. अब इसमें भी मैं स्टैंडर्ड से कर सकता हूँ, कॉस एक्स माइनस वन को ट्रिग्नोमेट्री लिख के, बट एल हॉस्पिटल लगा दूँ एवरीवन? यस. लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, नीचे हो गया 4x क्यूब, ऊपर हो गया 2x, 2 cos x का डिफरेंशिएशन एवरीवन, माइनस 2 sin x. सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2 कॉमन x माइनस sin x बाय 4x क्यूब. अब तो स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर लूँ ना इसके साथ ही? यस सर. 2 बाय 4 इंटू 1 बाय 6, बिल्कुल ओके एवरीवन? यस सर. तो 2 से ये 3 हो गया, कितना हो गया? 1 बाय 12. Now since it is continuous, LHL is equals to RHL is equals to f of 0. LHL कितना आया था अपना? 1 by 12. RHL कितना आया? मैं question में P लिखना भूल गया क्या? सिर्फ Q. Q लिखना भूल गया. It's fine ना everyone? Yes. और f of 0 कितना है? तो P की वैल्यू आ गई 1 by 12 और यहाँ से Q आ गया कितना? 1. हाँ भाई, समझ में आ गया? जल्दी से कॉपी करो, कुछ करना है तो मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ. Be a little bit fast in copying. I'll not give you much time to copy.
स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, कोई डाउट है किसको? नहीं पढ़ी? नो सर। लास्ट 10 सेकंड्स टू कॉपी। आगे बढ़ जाऊं फिर? यस सर। ये क्वेश्चन लिखना नहीं है, ये क्वेश्चन मैं करूंगा। एक्चुअली सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है इन लिमिट्स। कोई बच्चा की मेमोरी शार्प है बता सकता है कहाँ किया था मैंने, कौन सा टॉपिक है? पैरामीटर्स, पैरामीटर्स भी फाइंडिंग। क्या बात है यार, किसने बोला? हर्ष। हर्ष हां सर, गुड। अच्छा नोट्स वाइज करता है, इंप्रूव करता है। ओके, ये क्वेश्चन है वहां लिमिट में दिया था, कंटिन्यूअस दे रखा है, बट है तो वही चीज। चलो मेरे साथ देखो इसको, बस हम ब्रश अप करने के लिए कर रहे हैं। अगर कंटिन्यूस बोल रखा है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो और एलएचएल आरएचएल दोनों से आ रहा है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या लिखना चाहिए हमें, याद करके बताओ। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाय ना एवरीवन? यस सर। नाउ सिंस कंटिन्यूस दे रखा है मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ना बच्चों, ऑब्वियसली। यस क्या तुम्हें समझ में आ गया? ये तो पुराना ही क्वेश्चन हो गया पूरा, लिमिट एग्जिस्ट। तो बताओ याद करो एट ईच स्टेप क्या करते थे, याद करो। न्यूमरेटर इक्वल टू सी। क्या बात है, वेरी गुड। सिंस डिनोमिनेटर जीरो पे जाता था तो हम एक स्टेप सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे न्यूमरेटर को जीरो बनाते हैं एंड सो ऑन, याद आ गया? यस सर। तो न्यूमरेटर को डीएस लगाएंगे, जीरो प्लस बी इंटू वन इज जीरो, तो यहां से b की तो वैल्यू आ गई जीरो। देख लो जल्दी से, अब क्या करूंगा, b को जीरो रखूंगा और एक स्टेप सॉल्व करूंगा। हाय ना एवरीवन? यस सर। एक स्टेप कैसे सॉल्व करूंगा, स्टैंडर्ड मेथड से तो कर ही सकता हूं, बट मैंने कैसे सिखाया था कि इसमें एल हॉस्पिटल यूज करा करूं। हाय ना? हां सर। यस। तो एल हॉस्पिटल लगाया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नीचे हो गया 3x स्क्वायर 2 cos 2x plus a cos x। अब एक स्टेप सॉल्व हो गया, क्या करूं, दूसरा स्टेप सॉल्व करूं या उससे पहले कुछ और? न्यूमरेटर इक्वल टू वापस, वेरी गुड, वापस डीएस लगाया न्यूमरेटर पे, 2 इनटू 1 प्लस a इनटू 1 इज 0, सो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। अब वापस क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे, वापस एल हॉस्पिटल लगाएंगे ना एवरीवन? यस सर। वापस डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस 4 sin 2x प्लस माइनस ए साइन एक्स, ए की वैल्यू बाद में डाल दूंगा, डिवाइड बाय 6x। अब तो बस स्प्लिट करके आंसर आ जाएगा, एल हॉस्पिटल वापस लगा सकते हो, बट जरूरत नहीं है, क्यों लगाएं? हाँ साइन 2x है तो किससे नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, 2 से, बस बाकी सब रेडी है। इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, तो f ऑफ 0 का आंसर हो जाएगा माइनस 4 बाय 6 इंटू 2 इंटू 1 माइनस a बाय 6, द्वारा आने जाए, ठीक है? आपको समझ में आ गया, ये कॉपी नहीं करना है, तुम नया क्वेश्चन करो। इज इट अंडरस्टूड? यस यस। स्टार्ट कॉपीइंग दिस एंड स्टार्ट डूइंग दिस।
पहले मैं न्यूमरेटर जीरो करा तो पैरामीटर की वैल्यू नहीं निकली बट एक रिलेशन निकला, हाँ है ना? यस सर। कोई नहीं, आगे बढ़ जाओ। ठीक लग रहा है, मैं चेक करता हूँ तो पूरा लास्ट तक निकाल। हाँ भाई आंसर आया। मॉन फ्रेंड्स जल्दी से सही लग रहा है सर्विस का पूरा। लास्ट मिनट नाउ एवरीवन फिर मैं डिस्कस करूंगा डायरेक्ट। सॉरी नो हर्ष चलो डिस्कस करें आपको माल को। डिस्कस करें, शुड आई वेट 30 सेकंड? बोलो। चलो 30 सेकंड वेट कीजिए, जल्दी करो जल्दी करो।
मन बिल्कुल सही है। चलो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। देखो अब कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो है, तो f ऑफ जीरो विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ दैट, एग्रीड? हाँ भाई, यस। और इतने तो स्मार्ट हो ना कि साइन स्क्वायर एक्स को उड़ा दिया मैंने, बार बार क्यों लिखूं, उड़ा दिया। यस, और f ऑफ जीरो ही c है, आया ना, तो c लिखने की आदत डाल दो अभी से, ये लिख दिया। अब आगे इंटर पढ़ने से पहले पहले क्या करूंगा, मैं न्यूमरेटर को जीरो बनाऊंगा, तो 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से पैरामीटर की वैल्यू नहीं निकली, रिलेशन निकल गया, ठीक है। अब क्या करूंगा बताओ, एल हॉस्पिटल एवरीवन? यस सर। तो नीचे x की पावर 4 को डिफरेंशिएट किया 4x क्यूब, a cos 2x को किया माइनस 2a sin 2x माइनस 4b sin 4x, आगे बढ़ूं या न्यूमरेटर को जीरो करूं? न्यूमरेटर को जीरो, बट उससे कुछ फायदा नहीं होगा, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, हाँ है ना? यस सर, यस। तो बस नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करो, एल हॉस्पिटल सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, नीचे आ गया 12x स्क्वायर, ऊपर आ गया माइनस 4a cos 2x माइनस 16b cos 4x, आई थिंक कोई गलती नहीं की अभी तक, या तो अब वापस क्या करते हैं अपन, न्यूमरेटर को माइनस 4a इनटू 1 माइनस 16b इनटू 1 इक्वल टू 0, तो 4a इज इक्वल टू माइनस 16b, दैट इज a इक्वल टू माइनस 4b, बच्चों अब वो फर्स्ट में रख सकता हूँ ना, a प्लस b माइनस 1 में, यस। तो उससे सबका आंसर आ गया कितना, b इज 1 बाय 3 एंड a इज माइनस 4 बाय 3, यहाँ सर a और b आ गए, बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? यस सर। एवरीवन क्लियर? बस ये बताओ क्वेश्चन फिनिश हो गया क्या, आर वी डन? नो सर। क्यों? व्हाई? लिमिट निकालनी वैल्यू, लिमिट निकालनी, दैट इज सी की वैल्यू अभी भी बाकी है, तो अब सी की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, नीचे आ गया 24x, ऊपर आ गया 8a sin 2x प्लस 64b sin 4x, अब एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट अब तो स्प्लिट से ही हो रहा है तो कर दो ना। यस, 8a बाय 24 इनटू sin 2x बाय x प्लस 64b बाय 24 इनटू sin 4x बाय x, जो इनको सप्लाई करना है सप्लाई कर दो। आ गया मेरे पास सर, 2 × 2 4 × 4, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 8 से हो गया ये 3, 2a बाय 3 प्लस 4 से हो गया ये 6, 3 से हो गया ये 32, ये हो गया 32b बाय 3, अब a और b की वैल्यू डाल देते हैं, 2 बाय 3 इंटू ए कितना है माइनस 4 बाय 3, 32 बाय 3 इंटू बी कितना है, कितना था, 1/3? यस सर। तो नीचे 1/3 सॉरी, नीचे 9 एलसीएम माइनस 8 प्लस 33 दैट इज 24/9, आई थिंक सही है, 8/3। सबको क्वेश्चन क्लियर है? यस बच्चों सबको क्लियर है? यस। कॉपी करना है तो फटाफट कर लो।
कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ जाऊं? यस सर, आप इतना ही पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी पे बेसिक वाला पॉइंट क्लियर है। ये क्वेश्चन तुम होमवर्क के लिए करके आओगे, नोट्स में मिल जाएगा तुम्हें, प्रैक्टिस शीट वन करके आओगे कंटिन्यूटी की, और लिमिट की बुकलेट करना, नेक्स्ट वीक से अब डिस्कस करेंगे, गॉट इट? जब भी अब लेक्चर होगा डिस्कस करेंगे, ओके? यस, बाय बाय बच्चों, टेक केयर सर, कंटिन्यूटी का